बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज फ्लो शीट डायग्राम ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हमने किस तरह से मेटलर्जिकल ऑपरेशन को ऑपरेट किया जाता है और किसी और से कैसे मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं। तो उन्हीं सारे मेथड्स को हम फ्लो शीट डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये चीज़ पूछी जाती है, तो आपने सिर्फ ये चीज़ें ड्रॉ करनी होती है जिसमें पूरे मेथड को हमने एक्सप्लेन किया होता है। तो हमने इसको भी ऐसे स्टेप वाइज देखना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ क्रश ओर्स, कि आप ओर्स को क्रश करते हैं और उसके अंदर जाहिर सी बात है इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो सबसे पहले आपने उनको इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए उसकी कंसंट्रेशन करते हैं, और उसके हवाले से हमने पढ़े थे तीन मेथड्स हैं, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये तीनों मेथड्स जब हम अप्लाई करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, कर रहे होते हैं बेसिकली इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में कोई ना कोई ओर मिल जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है CuFeS2, यानी कि चाल को पायरेट या कॉपर पायरेट। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर में आते हैं कि इस ओर में से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पहला जो प्रोसीजर होता है उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। रोस्टिंग में इसको हम तोड़ते हैं, और तोड़ने का मकसद ये होता है कि इसमें से एक तो इम्प्योरिटीज निकल जाए और दूसरा ये शॉर्ट फॉर्म में या अपनी डिवाइडेड फॉर्म में हमें मिल जाए। तो यही वजह होती है हमें CuS मिलता है, क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, जब हम रोस्टिंग करते हैं और उसके नतीजे में कुछ हमारे पास मटेरियल होता है जो स्लैग की शक्ल में, यानी कि FeSiO3 फेरस सिलिकेट की शक्ल में मटेरियल निकल जाता है। उसके बाद हमारा स्मेल्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और यही दोनों चीज़ें को हम आगे लेकर आते हैं, और इसमें ये Cu2S बनता है, यहाँ भी 2 है बेसिकली, और फेरस सल्फाइड हासिल होता है। इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास वेस्ट होता है वो स्लेग की शक्ल में यहाँ भी निकल जाता है, और इस मटेरियल को हम दोबारा से बेसिमराइजेशन के प्रोसीजर में डालते हैं, तो हमारे पास हमें एंड प्रोडक्ट जो है वो कॉपर हासिल होता है। प्योर फॉर्म कॉपर की नहीं होती, यहाँ भी तकरीबन 98% जो आपको प्योर कॉपर मिलता है, और यहाँ स्मेल्टिंग के प्रोसीजर में ये जो कॉपर हासिल हो रहा है ये 40 से 45% प्योर होता है। तो इस 98% प्योर कॉपर को हम ब्लिस्टर कॉपर का नाम देते हैं, और ये मैंने बताया था आपको कि ये जो कॉपर गर्म कॉपर होता है इसके ये निशान रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है, तो जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है वहाँ पर छोटे छोटे गोल से निशान बच जाते हैं। बहरहाल हम फिर एंड पे इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जो हमने अपनी वेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं बातें, कि हम कैथोड और कैथोड और एनोड बनाते हैं, और हमारे पास प्रॉपर रीडॉक्स रिएक्शन होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसके नतीजे में हमें हमारी कॉपर जो है वो प्योर मिलती है, दैट इज 99.9% तकरीबन कॉपर हमें प्योर मिलती है। तो ये इतना सिंपल सा मेथड है, ये जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमें 4 या 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।